हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि हम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपका जो मोबाइल फोन है वो चार्जिंग के दौरान गर्म क्यों होता है, और उसके साथ साथ उसके जो चार्जर होता है वो भी जो है चार्जिंग के दौरान काफी गर्म हो जाता है। तो इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है? पर यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा फोन और उसका फोन एक ही मॉडल का है, फिर भी मेरा फोन ज्यादा गर्म होता है, उसका फोन कम गर्म होता है, इसके पीछे वजह क्या है? आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे मोबाइल फोन का चार्जर क्यों गर्म होता है। दोस्तों, यहाँ पे चार्जर का क्या काम है? चार्जर का ये काम है कि 220 वोल्ट एसी को वो 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है कन्वर्जन, और एक कन्वर्जन के दौरान ही आपका जो चार्जर है वो गर्म होता है। और चार्जर के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट एसी को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे जो सर्किट के अंदर जो जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसके अंदर जो है हो रहा है पावर लॉस। अब दोस्तों, पावर लॉस की वजह से यहाँ पे आपको जो सब चार्जर है वो गर्म दिखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे पावर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कन्वर्जिंग सर्किट जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। अगर वो सर्किट 100% एफिशिएंट होता तो कोई भी पावर लॉस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे अगर ये पावर लॉस कर रहा है तो ये कितना पावर लॉस कर रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल केस में अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब जो आपका मोबाइल का जो चार्जर होता है वो 80 से 90% की एफिशिएंट होता है। मतलब यहाँ पे कुछ चार्जर 80% होता है, कुछ चार्जर 82 होता है, कुछ 85 होता है, कुछ जो है करीब करीब 90% एफिशिएंट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सारे चार्जर जो है सेम एफिशिएंसी सब चार्जर को नहीं मिलता, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कैसे चार्जर को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बहुत पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था तो वहाँ पे ऐसे आपको जो आज की तरह चार्जर वहाँ पे नहीं मिलता था। वहाँ पे जो चार्जर होता था वो बहुत बड़ा होता था और उसके अंदर आपको एक ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलता था। तो उसका जो एफिशिएंसी था वो 50 से 60% के आसपास था और वो काफी ज्यादा गर्म होता था, आज के चार्जर से भी ज्यादा गर्म होता था। तो दोस्तों, यहाँ पे आज के जो चार्जर है यहाँ पे क्या यूज होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अभी एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई ये एक्चुअली काम करता कैसे है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, पर इसको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो स्विच मोड पावर सप्लाई है इसके अंदर होता है एक ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर करता है स्विचिंग, अब ट्रांजिस्टर स्विचिंग करने की वजह से वो गर्म होता है, ये एक हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे एक रहता है उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर भी, और ट्रांसफार्मर काफी छोटा ट्रांसफार्मर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, तो वो ट्रांसफार्मर भी जो गर्म होता है। तो आप वो वीडियो को जाके देखो, आपको और भी अच्छी तरह से एसएमपीएस के बारे में पता चल जाएगा कि एसएमपीएस कैसे काम करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है हमारा दूसरा चीज, वो है पावर कॉर्ड। अब ये पावर कॉर्ड भी गर्म होता है, पावर कॉर्ड मतलब यहाँ पे जो यूएसबी केबल है। अब यूएसबी केबल भी गर्म होता है, तो इसके पीछे मेन रीजन है कि रद्दी क्वालिटी का यूएसबी केबल। अगर आप मार्केट से घटिया क्वालिटी का यूएसबी केबल खरीद के आपके मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपका जो यूएसबी केबल है वो गर्म होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं बात करूँ OnePlus 3T का, तो OnePlus 3T का जो आपको मिलता है कि वहां पे डैश चार्जिंग मिलता है, OnePlus 3T, OnePlus 5 जो भी आया है उसके साथ आपको डैश चार्जिंग मिलता है। तो क्या अगर आप उस डैश चार्जिंग के लिए जो केबल यूज होता है, क्या आप अगर उसको रिप्लेस करके मार्केट से रद्दी क्वालिटी का केबल यूज करते हो आपके मोबाइल के साथ, तो आपका जो केबल है वो जल जाएगा। तो यही होता है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पे आपका जो केबल है गर्म होता है। अगर किस केबल में एक पतला गेज का वायर रहता है तो वो जो केबल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और वो जो केबल है वो बहुत जल्दी आग भी लग सकता है उस केबल को। तो आप इससे बचिए कि आप जो है एक रद्दी क्वालिटी का यूएसबी केबल मत खरीदे जो आपके फोन को चार्ज करेगा, जो यूएसबी केबल से आपका मोबाइल फोन चार्ज होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन क्यों गर्म होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपके मोबाइल फोन में भी रहता है एक कन्वर्जन सर्किट। उस कन्वर्जन सर्किट का क्या काम है? जैसे कि आपके मोबाइल के फोन के अंदर जो बैटरी लगा हुआ है उस बैटरी को एक पावर की जरूरत है उसे चार्ज होने के लिए। अब यहाँ पे उसको चार्ज किया जाता है एक कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज में। अब ये सारे जो चीजें हैं को जो कैलकुलेशंस है कि कितना वोल्टेज देना है, कितना करंट देना है, और उस हिसाब से उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो करंट और वोल्टेज को दिया जाता है, तो उसी लिए यहाँ पे एक कॉन्वर्जन तो हो ही रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपके मोबाइल फोन को चार्ज होने के लिए जरूरत है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो आ रहा है, जो आप मान लीजिए आपका जो चार्जर है वो भी 5 वोल्ट 2 एम्पीयर आउटपुट कर रहा है, तो वो जो पूरा पावर है वो आपके मोबाइल फोन में जा रहा है। अब मोबाइल फोन उसको देख रहा है कि यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पीयर है या नहीं है। या फिर जैसे जैसे आपका मोबाइल फोन का जो करंट कंजम्पशन है वो अगर कमता जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके मोबाइल फोन में जो बैटरी है वो जितना ज्यादा फुल चार्ज की तरफ जाएगा तो वहां पे जो करंट कंजम्पशन कमता जाएगा, तो जितना ज्यादा करंट कंजम्पशन कमता जाएगा तो यहाँ पे
करंट उस मोबाइल में कम जा रहा है, तो यहाँ पे आपका मोबाइल फोन जो है गर्म भी कम होगा उस टाइम पे। और जिस टाइम पे ज्यादा करंट को आपके मोबाइल पे जा रहा है, जहां पे आप मान लीजिए आपका मोबाइल फोन का जो चार्ज है वो 0% हो चुका है, तो वहां पे आपका मोबाइल फोन जो है ज्यादा करंट आपके वॉल अडेप्टर से लेगा। तो ज्यादा करंट वो वॉल अडेप्टर से लेने की वजह से आपके मोबाइल फोन के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो भी ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि उसको ज्यादा पावर को हैंडल करना पड़ रहा है। तो यही कुछ वजह है जिसकी वजह से आपका फोन गर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा मोबाइल ज्यादा गर्म होता है, उसका मोबाइल कम गर्म होता है, सेम मॉडल होने के बावजूद भी। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि आप अपने मोबाइल फोन में ज्यादा हेवी एप्लीकेशन रन करा रहे हो। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गेम खेलते हैं मोबाइल को चार्ज में लगा के, तो मोबाइल फोन ज्यादा ऑब्वियसली गर्म होगा। या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल के फोन में बैकग्राउंड में चल रहे होंगे जो उस मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में नहीं चल रहे जो आपके दोस्त के पास है। तो इसीलिए आपके दोस्त का मोबाइल कम गर्म हो रहा है और आपका मोबाइल ज्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में ज्यादा चीजें हैंडल हो रहा है, तो वहां पे सीपीयू भी जरूरत पड़ रहा है और यहाँ पे आपका जो रैम है वो भी जरूरत पड़ रहा है, तो इसी वजह से आपका मोबाइल ज्यादा गर्म हो रहा है। तो ये कुछ वजह है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि कितना टेम्परेचर हमारे मोबाइल फोन के लिए सही है, वो है 55 to 60 डिग्री। इससे ऊपर अगर होता है तो आपका मोबाइल जो है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, आप उसे एक बार सर्विस सेंटर में दिखा लीजिए। अगर आप वहाँ पे आप मोबाइल को चार्ज में बैठा के गेम खेल रहे हो तो आपको आराम से 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, जो कि सही नहीं है। आप उस टाइम पे गेम को एक बार बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर से मोबाइल को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर आप गेम को खेलिए, तो आपके मोबाइल के लिए सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्या हम इस गर्म को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे मोबाइल फोन के चार्जर को, या फिर हमारे जो मोबाइल फोन है वो गर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। मैंने आपको एफिशिएंसी के बारे में तो बता ही दिया है, कोई भी सर्किट 100% एफिशिएंट नहीं होता, कोई भी कन्वर्जन सर्किट 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो उसी वजह से यहाँ पे आपका मोबाइल भी गर्म हो रहा है, आपके चार्जर भी गर्म हो रहा है। हाँ, आप उसका जो गर्म है उसको कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो। आपके मोबाइल में कम एप्लीकेशन को रन करा के आपका मोबाइल का जो गर्म है वो थोड़ा सा कम कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही खत्म कर दोगे, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। गर्म आपका फोन थोड़ा बहुत होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्विक चार्ज 3.0 2.0 के साथ, तो उसके साथ ही आपका मोबाइल थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो रहा है, क्योंकि गर्म होगा भी, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है और यहाँ पे वोल्टेज भी बहुत ज्यादा है, करंट भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा पावर है, तो वहां पे जो सर्किट उसको हैंडल करता है तो वो भी जो है थोड़ा बहुत लॉस कर ही देता है। तो उसी वजह से आपको वहां पे जो है गर्म ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्विक चार्ज 1.0 या फिर नॉर्मल नॉमिनल चार्जिंग की। तो इससे आप कुछ खतरा नहीं है, इससे आपको कोई भी खतरा नहीं है। आपका मोबाइल क्विक चार्ज में भी थोड़ा बहुत गर्म हो भी जाएगा, ज्यादा भी गर्म हो सकता है, 50 to 60 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। 55 to 60 डिग्री के ऊपर आपका मोबाइल का टेम्परेचर जो है नहीं जाएगा, तो उससे ऊपर अगर जाता है तो फोन में कुछ खराबी है। तो ये हो गया दोस्तों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों वीडियो का दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को सॉल्व करता हूँ, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ उसके पास जो घंटी का आइकॉन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को करता हूं, देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।